हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें एक्स और वाई में दो इक्वेशन दी गई है पैरामेट्रिकली, ओके। और इनको हमें बिना एलिमिनेट किए हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन वन में दिया है हमें एक्स इक्वल टू 280 स्क्वेयर और वाई इक्वल टू 80 की पावर 4, ओके। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी में ये भी है और टी में ये भी है, ओके। तो डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू टी, ओके, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी टी एक्स इक्वल डी, टू ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, डी अपॉन डी टी टी स्क्वेयर, ओके। एंड यहाँ पर वाई का कर लेते हैं हम, या पहले एक का कर लेते हैं फिर इसका करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए, तो एज इट इज रहेगा, टी स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, टू टी, ओके। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, dx अपॉन डी टी इक्वल क्या है, 2 इंटू टू 4 ए टी, ओके। ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया इसका, अगेन इसका करेंगे तो ये क्या होगा, d अपॉन डी टी वाई इक्वल, ए कॉन्स्टेंट है बाहर रखूँगा मैं, d अपॉन डी टी टी की पावर 4, ओके। y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dy वाई अपॉन डी टी इक्वल, ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, टी की पावर 4, इसका क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा और टी की पावर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ओके। और फिर टी का करेंगे वो 1 होगा, ओके। तो डी वाई अपॉन डी टी की हमारी क्या वैल्यू है, 4 ए टी की पावर क्यूब, ओके। अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो डी वाई अपॉन डी टी वाली टर्म है, इसको मैं डिवाइड, इससे डिवाइड कर देते हैं हम डी एक्स अपॉन डी टी वाली टर्म से, ओके। तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी ये इक्वल क्या होगा, ये तो इसमें तो 480 की पावर क्यूब है और डी एक्स अपॉन डी टी की हमारी क्या वैल्यू है, 480, ओके। हमारे ये डी टी अपॉन, ये नीचे भी यहाँ पर डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि ऊपर बचा डी वाई और नीचे बचा यहाँ पर डी एक्स, इक्वल क्या हो गई हमारी वैल्यू, ये 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा और ऊपर t की पावर क्यूब है और नीचे t है, तो यहाँ पर t की पावर कितनी बचेगी, 2, यहाँ पर बचेगा t स्क्वेयर, ओके। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।